Hey guys, welcome back to Speed Garage. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी बाइक का कहीं जगह से पेंट खराब हो जाता है इसको हम घर पे कैसे रिस्टोर कर सकें। आज की वीडियो बेसिकली थोड़ी बहुत ही रेस्टोरेशन के लिए रहेगी। इस पर हम कलम टचिंग भी कर सकते हैं, पर हम इसकी स्प्रे पेंट की टचिंग करेंगे। और आपको मैं इसको कैसे रिस्टोर करना है, इसका पेंट जो जैसे डल हुआ है वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा वीडियो में। तो बिना टाइम लेते हैं वीडियो आगे करते हैं स्टार्ट। जो हमें सबसे पहली आइटम जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो हमारी वैक्सपॉल की रबिंग कंपाउंड। वैक्सपॉल रबिंग कंपाउंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको इसको बेस्ट वे बताया यूज़ करने का सैंड पेपर से, उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हमारी ये जो रबिंग कंपाउंड है हम इस पर सैंडिंग नहीं करेंगे, बाइक का पेंट थोड़ा हमारा निकल रहा है इस करके, इसलिए हम डायरेक्ट इस पर रबिंग कंपाउंड अप्लाई करेंगे। ये रबिंग आपको 60 से 100 रुपीज़ की अवेलेबल हो जाएगी। अमेजोन पे शिपिंग के चार्जेस के साथ 100, वैसे MRP इसकी 70 है। और इसके बाद हमें एक स्प्रे बॉटल में वाटर चाहिए होगा। ये स्प्रे बॉटल आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखी होगी, बहुत पुरानी बॉटल है ये मेरी। और अब मैं आपको इसको पहले इसका सारा साफ करने का प्रोसेस दिखाता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। रबिंग अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं हमें एक स्प्रे पेंट भी चाहिए होगा वाइट कलर का। जितना आप ऐसे टोन मैच करके लें वो ज़्यादा बढ़िया, पर ये हमारा थोड़ा बहुत ही दिखना इस करके ये हमारा पास से ही हाईलाइट होगा, दूर से पता नहीं लगेगा कि हमने कहीं भी इसकी टचिंग की है। और हमें ये चौड़ी टेप चाहिए होगी मास्किंग के लिए। अब रबिंग आपको मैं कैसे इस पर अप्लाई करनी है वो दिखाता हूँ। वैक्सपॉल रबिंग कंपाउंड कुछ हमारी इस तरह की पेस्ट होएगी, इसको हल्का सा हमने लगा लेना। ये हमारी थोड़ी जम गई है, हमारी विंटर के सीज़न में थोड़ी ख़राब हो जाती है, जम जी जाती है, तो इसमें कोई ख़राब वाली बात नहीं है। थोड़ा इसमें हम वाटर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम इसको एक सर्कुलर मोशन में लगा लेंगे। करके हम पूरी बाइक पे एक रबिंग कंपाउंड की लेयर लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी ड्राई हो गई है। अब इस पर हमने एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ ले गए रब करना, थोड़ा फोर्स लगाते हुए। अब जैसे जैसे रब करोगे आपको देख ही सकते हो इसका रिजल्ट। जो हम पेंट यूज़ करेंगे पेंट करेक्शन के लिए, उसके लिए सरफेस हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। गंदगी होएगी पेंट पे, डलनेस होएगी, वो हमारे ऐसे क्लोथ पे आ जाएगी। फिर आपने एक साइड चेंज करके दोबारा से उस पर रब करना। आप पेंट पे जब तक ग्लॉस ना है आपने छोड़ना नहीं है। मेक श्योर कि आप जब भी अपनी बाइक या फिर कार की डिटेलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल आपने आराम से करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। एक बार आप ऐसे बिल्कुल उसको क्लीन कर लीजिए, फिर एक कॉटन के सॉफ्ट क्लोथ से इसको बिल्कुल आपने अच्छे से रब करना जब तक ये सरफेस बिल्कुल। प्रोसेस हमारा पूरी बाइक के लिए सेम रहेगा। आपके मैं सारा आगे वीडियो में दिखाता हूँ कैसे करना है। तो हमारी जो डैशबोर्ड पॉलिश होती है हम ये यूज़ करेंगे। इसका मैं आपको अमेजोन का लिंक दे दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। इजी टू यूज़ होती है, बस डस्ट चलानी है एंड इसको स्प्रे कर देना आपने। जैसे कि ये काफ़ी निशान है हमारी टैंकी के ऊपर, अब हम ये मोस्टली जो माइनर स्क्रैचेस होंगे वो हम सारे हटा लेंगे इससे। You feel.
प्रोसेस रहेगा वो रहेगा हमारा पेंट करेक्शन का। अभी हमने पेंट करेक्शन कैसे करना पूरा मेथड आपको मैं वो बताता हूँ। हमने सबसे पहले रबिंग कंपाउंड से हमारे जो सरफेस पे डर्ट वगैरह थी वो सारी हमने क्लीन कर ली है। अब ये पेंट करेक्शन के लिए हमें पहले सेलो टेप चाहिए आएगी चौड़े वाली मास्किंग करने के लिए। मास्किंग करने के लिए आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम ये टेप पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ हम जहाँ पे नेसेसरी है हमारा ये मतलब पेंट करना वहाँ पे लगाएंगे टेप। जब भी हम पेंट यूज़ करते हैं शेक वेल बिफोर यूज़। उसके बाद हमें एकदम परफेक्टली ओवर स्प्रे नहीं करना बिल्कुल भी। ये बारी अभी पहली कोट हुई है इसको अब हम ड्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हमारी बैक साइड रहेगी उस पर हम सेकंड कोट का टाइम आ गया। थर्ड कोट मारेंगे इसका जो रहेगा। जैसा कि हमारी रबिंग एंड पेंट का जो करेक्शन का प्रोसेस था वो हमारा खत्म हो गया। आप देख ही सकते हैं काफ़ी हद तक जो इसके स्क्रैचेस थे वो दब गए हमारे, और ये हमारा बिल्कुल ब्लैक था जो पेंट उतर रहा था, हमने इसको वाइट कर दिया वापसी। कोई देख के कह नहीं सकता ये रीपेंट है। बाकी यहाँ पे भी हमारे काफ़ी निशान थे जो अब हमारे विजिबल नहीं है। और हमारे ये टैंक की बात करें जो टैंक के साइड ये कवर था ये हमारे ब्रांड न्यू लाइक हो गए हैं। थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस रह गए। हमारा ये 2013 मॉडल है, इतने स्क्रैचेस तो चलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बी श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसी न्यू वीडियोस जानने के लिए स्पीड गैराज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जैसा कि हमारी रबिंग एंड पेंट का जो करेक्शन का प्रोसेस था वो हमारा ख़त्म हो गया। आप देख ही सकते हैं काफ़ी हद तक जो इसके स्क्रैचेस थे वो दब गए हमारे, और ये हमारा बिल्कुल ब्लैक था जो पेंट उतर रहा था, हमने इसको वाइट कर दिया वापसी। कोई देख के कह नहीं सकता ये रीपेंट है। यहाँ पे भी हमारे काफ़ी निशान थे जो अब हमारे विजिबल नहीं है। और हमारे ये टैंक की बात करें जो टैंक के साइड ये कवर था ये हमारे
ब्रांड भी लाइक हो गया, थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस रह गए। हमारा ये 2013 मॉडल है, इतने स्क्रैचेस तो चलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बी श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसी न्यू वीडियोज जानने के लिए स्पीड गैराज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।